हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रेड लेबल वन के बारे में। मैंने अपने पिछले वीडियो में रेड लेबल की पूरी थ्योरी बहुत अच्छे से अपलोड की हुई है और साथ में रेड लेबल ज़ीरो को भी प्रैक्टिकल के साथ में उसके भी वीडियो को मैंने अपलोड किया हुआ है। तो प्लीज़ पहले आप लोग इन दोनों वीडियो को देखिए, तब ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो प्रैक्टिकल हमारा होगा LSBLK। देखिए ये इसमें, ये तो हमारा इसमें हमारा ओवर्स है और एक SDB और एक SDB C में अभी हमारा प्रैक्टिकल होगा। रेड लेबल वन में इसको हम लोग मिररिंग भी बोलते हैं। इट मीन कि जैसे अगर आप किसी शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आप ही बिल्कुल सामने कॉपी उसके सामने आपकी शो होती है। सेम चीज़ रेड लेबल वन में भी कम से कम दो सेम साइज़ की हार्ड डिस्क होनी चाहिए, ठीक है। तब उस केस में होता क्या है कि जो डेटा पहली हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है, सेम उसी की कॉपी दूसरी हार्ड डिस्क में भी सेव होगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी एक भी हार्ड डिस्क फेल हो जाती है तो आपका डेटा बिल्कुल सिक्योर होगा। तो आइए इस प्रैक्टिकल को हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमें बी और सी में रेड के पार्टीशन बनाने होंगे। तो कमांड थी हमारी एफ डिस्क। सबसे पहले हमारा काम देव SDB पर हो रहा है। यहाँ पर एन प्रेस किया, लाकर सिंपल लाकर एक पार्टीशन बन गया। टी से उसकी टॉगल ID हो गई और ये FD सेट हो गया। इस FD से ये होगा कि जब आपका P प्रेस होगा तो देखिए ये अब आपका सिंपल पार्टीशन रेड में कन्वर्ट हो गया है, सिंपल आके W। और सेम ऐसे ही अगली कमांड मेरी देव SDC में होगी, सिंपल T और FD। सेम साइज़ का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और सिंपल आके पार्ट प्रो, ठीक है जी, ताकि कर्नल को इसकी इन्फॉर्मेशन हो जाए। ओके, इतना काम तो हो गया। अब अगली कमांड होती है MD ADM, कर्सर के साथ में MD ADM और हाइफन कैपिटल C, मतलब क्रिएट। सेम जैसे साटा हार्ड डिस्क होती है SDA, पाटा होती है HDA, वैसे ही रेड होता है MD में काउंट, क्योंकि ये हमारा पहला रेड है तो हमने कहा जी MD 0, ठीक है। हाइफन L लेबल क्या है, मतलब आपका रेड का लेबल क्या है, हमने कहा जी वो अभी हमारा 1 है। N मतलब नंबर ऑफ हार्ड डिस्क, तो अभी हमने सिर्फ दो ही हार्ड डिस्क अटैच की हुई हैं। कौन कौन सी हार्ड डिस्क हैं, हमने कहा जी एक है देव SDB 1 है, एक है देव SDC 1 है, ठीक है जी। यहां पर ये बनना शो हो जाएगा, कमांड यहां पर गलत हो गई है इसलिए। तो यहां पर हमने कहा देव Y, क्रिएट होना ये शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा गलत कमांड हुई है। देव के साथ में MD 0, देव और स्लैश MD 0, हाँ जी Y, अब ये हमारा बन गया। अब इसको पहले हमें फॉर्मेट भी करना होगा, तो mkfs.ext IDIS format from the 3, extended 3, आप जो भी चाहें, देव और MD 0 हमारा ये फॉर्मेट हो जाए। ये फॉर्मेट हो गया है। अब अगर ये फॉर्मेट हो गया है तो आपकी डिटेल शो होती है, सिंपल कमांड MD ADM और हाइफन हाइफन डिटेल्स। किसकी शो हो, हमने कहा जी देव के अंदर MD 0 की। देखिए शो हो गया, एक SDB 1 है और एक SDC 1 है। अब हमने कहा जी ये हमारा एक फोल्डर है आई जस्ट गिव नेम डेटा नाम से, ठीक है जी। अब आप चाहे तो इसे परमानेंट माउंटिंग भी कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में
रेड लेबल ज़ीरो में परमानेंट माउंटिंग की थी, तो उसको भी देखकर आप कर सकते हो। अभी के लिए आई जस्ट डू द टेम्परेरी माउंटिंग। तो माउंट मैंने कहा जी ये मेरा अटैच, ये जो देव के अंदर MD0 है ये अटैच हो जाए डेटा नाम के फोल्डर के साथ, ठीक है, हो गया जी। अब अगर मैं डेटा नाम के फोल्डर में आता हूँ तो ls से यहाँ पर देखिए लॉस प्लस फाउंड का फोल्डर भी शो हो रहा है, इट मीन कि ये माउंट हो गया। प्रैक्टिकल के लिए मैंने mkdir, मैंने कहा मेरा एक कुछ ये डेटा है बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। तो इतना प्रैक्टिकल अभी हमने किया। अब हम एक हार्ड डिस्क को फेल करते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या डेटा अभी भी हमारा सिक्योर है। तो फेल करने की सेम कमांड थी mdadm, देव के अंदर MD0 में से -f मतलब फेल करो। हमने कहा जी देव SDC1 को, अब अगर ये फेल हो गया है तो जब हमारी ये डिटेल शो होगी तो डिटेल में ये शो होना चाहिए कि ये फॉल्टी है, ये देखिए फॉल्टी है, ठीक है। लेकिन क्या डेटा अभी हमारा सेव है? हमने कहा जी डेटा हमारा था डेटा ls, ये देखिए ये आपका प्रूफ हो गया कि डेटा अभी भी आपका सिक्योर है एक हार्ड डिस्क फेल होने के बाद भी। अब जो हमारा आखिरी प्रैक्टिकल होगा उसमें मैं इस हार्ड डिस्क को हटाऊंगा और एक दूसरी हार्ड डिस्क इसमें रेड में अटैच करूंगा। तो सबसे पहले हार्ड डिस्क कैसे हटाते हैं, उसकी कमांड होती है सेम mdadm और देव के अंदर MD0 और -r मतलब रिमूव करिए। आप रिमूव करना होगा हमें किसको, हमने कहा जी देव के अंदर SDC1 को, है ना जी। ये अटैच हो गई होगी, ये आपकी डिटैच हो गई है। अगर आपको देखना हो तो देखिए सामने प्रूफ भी आ गया है। अब मैंने एक हार्ड डिस्क, इफ़ आई शो LSBLK, मैंने प्रैक्टिकल के लिए एक हार्ड डिस्क इसमें और अटैच की हुई है SDD जो कि सेम 5GB की है। अब इसको पहले मुझे पार्टीशन करना होगा, तो कमांड वही है एफ डिस्क देव के अंदर SDD है इस बार हमारा, सिंपल n और t के बाद में FD, ठीक है जी, W पार्ट प्रो, ये काम शुरू हो गया। और इसको उसी से फॉर्मेट करना होगा जिससे ये पहले था। तो हमने कहा जी mkfs.ext3 से पहले हमने इसे फॉर्मेट किया था देव के अंदर SDD1 को, ठीक है, हो गया वो फॉर्मेट। अब इस पार्टीशन को कैसे हम अटैच करेंगे, तो कमांड होती है mdadm और देव के अंदर MD0 को मैं आपको ऐड करना होगा किसको, देव के अंदर SDD1 को, यहाँ पर ये डबल हाइफन है। अब अगर ये ऐड हुआ है तो देखिए डिटेल में ये हमारी कमांड हमें शो होनी चाहिए कि जो भी हमने किया है वो सब हमारा इसमें शो होगा। ये देखिए जी इसने कहा है कि ये आपका फिर दोबारा से, ये अभी थोड़ा टाइम लग रहा है और एक दो सेकंड में ये वापस एक्टिव हो जाएगा। तो ये ऐसे अटैच हो गया और वापस ये हमारा रेड लेबल 1 काम करना शुरू कर देगा। तो इस प्रैक्टिकल में हमने पढ़ा कि रेड लेबल 1 क्या होता है, कैसे उसको हम लोगों ने पूरा कॉन्फ़िगर किया, एक हार्ड डिस्क को फेल किया और उसे हमने और हमने अपनी दूसरी हार्ड डिस्क को उसमें अटैच किया। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर ये आपको बहुत अच्छा पसंद आया तो प्लीज़ जस्ट गो टू द YouTube चैनल और YouTube चैनल में आप जस्ट सर्च बी एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजीज, ये मेरा चैनल है। बस आपको इस पर आके सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन, इससे ये होगा कि मैं जैसे ही किसी वीडियो को अपलोड करूँगा उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास में आएगी। मैंने इसमें लिनक्स के अलावा CCNP, CCNA, एथिकल हैकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग पर पूरा बेसिक से और एडवांस तक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसको पढ़कर आप बहुत आसानी से अपने करियर पाथ को बहुत अच्छा पाथ दे सकते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।